इस बात से संबंधित है जो मैं ये बता देना चाहता हूँ। मैं बिहार स्टेट टेक्निकल बोर्ड का सीनियर मेंबर हूँ। 12 तारीख की बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड के बैठक में ये एजेंडा में निर्णय के लिए हम लोग के सामने लाया गया। इसमें हमारे प्रधान सचिव थे, निदेशक थे, माननीय मंत्री महोदय थे, स्टेट बोर्ड सेक्रेटरी थे, हम लोग थे। उसमें ये निर्णय हुआ कि प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और पांचवें सेमेस्टर के छात्रों का जो इम्तहान नहीं होगा, बल्कि उनको कॉलेज का नंबर जो 30 नंबर मिलता है उसके असेसमेंट के आधार पर उनका रिजल्ट किया जाएगा। हिसाब से इम्तहान ये सब कर रहा है, लेकिन 5179 से बिहार में यूजीसी खत्म हो गया और AICTE लागू हुई। तो AICTE के हिसाब से इम्तहान लेने या नहीं लेने का अधिकार AICTE को है, वो डायरेक्शन देगा। लेकिन छठा सेमेस्टर और जो लड़के को बैकलॉग है, फेल है, उनका इम्तहान कॉलेज में ऑफलाइन होगा, छठा सेमेस्टर और फेलियर का। अभी तक ये बात है, हाथ ताली मत बजाओ। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल में होता है कि लड़कों को 30 नंबर दिया जाता है, 20 नंबर टर्म वर्क होता है, 10 नंबर टीचर का असेसमेंट होता है। सरकारी कॉलेज में 25, 26, 27 तक जाता है। तो उन लोगों का जो रिजल्ट होगा वो 100% होगा जो डायरेक्ट बैकडोर से आते हैं, और आप लोग कंपटीशन से आते हैं तो आपका कम होगा। इसलिए हुआ कि नहीं, AICTE का अनुमोदन ले लिया जाए, तब ये काम निर्णय होगा। दूसरी बात, जो लड़का 6 बार फेल कर चुका है, NFT लगा हुआ है, उसको 1 चांस और दिया है, यही निर्णय हुआ है। और कल फिर बोर्ड की बैठक है, उसमें एजेंडा में जा रहा है कि आपके कॉलेज में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। बोर्ड की नहीं है, मंत्री के साथ बैठक है। उसमें है कि जो गेस्ट फैकल्टी है